हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। बहुत टाइम के बाद मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट मे बी टू और मोर मंथ्स मैंने कोई पोस्ट नहीं किया, और दो आई हैड रिकॉर्डेड फ्यू वीडियोस, सो यू नो आई हैड सम बैक प्रॉब्लम एंड देन देयर वाज आई वाज बिजी विथ वर्क, तो वो सब चक्कर में डाल नहीं पाया कोई वीडियो। इनफैक्ट कोई कमेंट भी मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं रहा ऑन द चैनल। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट होंडा हाइनेस सर्विसिंग। कंप्लीट सर्विस किया है मैंने एंड दिस वॉज शॉर्ट समटाइम मे बी इन मे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी तक मैंने उसको पोस्ट नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट। एंड दिस इज द कंप्लीट सर्विसिंग ऑफ अ होंडा हाइनेस। एंड ये मैं इसलिए कर रहा था कि देर हैव बीन यू नो ऑफ लेट पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट द बिग विंग सर्विस सेंटर्स आर वेरी लिमिटेड एंड यू नो किसी किसी के लिए तो 400 किलोमीटर का ऑलमोस्ट जर्नी है टू गो टू अ सर्विस सेंटर, अ बिग विंग सर्विस सेंटर। And in these areas, such areas, the big wing service centers are actually encouraging people to go to a red wing, jo normal Honda Activa ka jo service center hota hai. They can go to those service centers and service their bikes. So, I'm just you know covering what you have to look after when you do a service from a red wing service center, or you know what is the difference between what kind of oil that I'm going to put. Even that is interesting because I am deviating from what the manual says, and there is a reason for that. Uske upar main koi aur video banaunga. बट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ये मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ बिकॉज इट्स अ लेंदी वन। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके जो बाकी मे बी दो या तीन पार्ट बनेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। ए व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। ये वीडियो में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंग्लिश में बनाने वाला हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश, सो दैट यू नो इट रीचेस एवरीवन। और इस वीडियो में मैं हाइनेस की सर्विसिंग कर रहा हूँ, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि इफ़ यू लुक एट हाइनेस यू नो सर्विस सेंटर नेटवर्क, राइट नाउ दे आर वेरी लेस, बहुत कम सर्विस सेंटर्स है, लेकिन जो बिग विंग सर्विस सेंटर्स है वो ही आजकल यू नो दे आर रिकमेंडिंग दैट यू कैन गेट द हाइनेस सर्विस फ्रॉम रेड विंग ऑथराइज सर्विस सेंटर ऑफ होंडा। जो रेगुलर एक्टिवा के सर्विस सेंटर्स होते हैं वहाँ से आप करा सकते हो, इज यू नो व्हाट आई हैव बीन हियरिंग। तो इस यू नो सर्विसिंग में मैं कवर कर रहा हूँ कि क्या क्या है। आई मीन इट्स नथिंग यू नो आई से वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर रेगुलर बाइक, बट क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं करने वाला हूँ, व्हाट आर द प्रोसीजर्स। आई एम श्योर यू नो नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी डूइंग इट DIY, बट यू कैन एटलीस्ट सुपरवाइज इफ यू आर यू नो डूइंग इट थ्रू अ रेड विंग सर्विस सेंटर कि क्या क्या करना चाहिए उस बंदे ने। सो यू नो आई एम गोइंग टू चेंज द ऑयल और एयर फिल्टर। मैं यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ खोल रखा है एंड यू नो आई एक्सप्लेन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू यू नो टेक केयर ऑफ, या वो कौन सी चीज़ें जिस पे आपको ध्यान रखनी है। तो द फर्स्ट थिंग व्हेनेवर यू नो स्टार्ट योर सर्विसेज, आप बाइक को एटलीस्ट 10 मिनट्स स्टार्ट करके उसको थोड़ा सा वार्म अप करके फिर ऑयल ड्रेन करना शुरू करते हो। तो यू नो व्हेन द बाइक इज़ हॉट और वार्म द ऑयल फ्लोज डाउन वेरी इजीली। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ एंड देन आगे मैं कंटिन्यू करूँगा कि यू नो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कौन सा ऑयल, क्यों, ऑल दोस थिंग्स आई विल कवर गोइंग अहेड। ओके, सो क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सो इफ़ योर बाइक हैज़ नॉट कम्प्लीटेड I'll say 1500 kilometers or so, you can go with the Honda 5W30 engine oil, which is this box you can see here, Honda 5W30. This is a semi-synthetic oil which costs you 690 rupees. Now unfortunately I don't have the bottle of the fully synthetic oil which Honda has, which is called the Throttle, but uska photo main end mein dalunga, jo aata hai lagbhag 629-630 rupees ke aaspas liter. सो ये 330 रुपीस लीटर है, वो 630 रुपीस लीटर है। एंड अगर आपकी बाइक 1000-1200 किलोमीटर हो चुकी है देन आई वुड रेकमेंड कि आप वही थ्रॉटल ऑयल डालें, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द इंजन। और मैं जो अभी डालने वाला हूँ इन माय सर्विस, दिस इज़ द शेल एडवांस फुली सिंथेटिक 10W40। नाउ आई नो मेनी वुड रेज अ डाउट दैट यू नो आई एम गोइंग फॉर अ 40 ऑयल, बट माई एक्सपीरियंस इज दैट somehow the Honda engineers, I know again I might sound something else, but Honda engineers have miscalculated the you know the
hot viscosity of this oil, of this engine. I feel 30 is little too thin at hotter viscosities for this bike. It's a single cylinder air cooled 350cc engine which gets very hot. I understand the engine built must have done accordingly as per 30 viscosity, but 40 bhi chal jayega. One step up is okay. Okay, I'm going on the hotter side, not on the colder side. Cold already there are two options, 5W30 and 10W30. I am going with 10W40. So I'm you know taking liberty of going one step up on the hotter viscosity. So main ye dal raha hun. This costs me somewhere around 820 rupees a liter. But आपको ये Amazon पे सस्ता मिल जाता है. I got this at a very good deal. I don't remember it, but it was somewhere around I saved you know some 150 rupees, 650 के आसपास मुझे ये मिला था. And it's also you know very fresh packing as such. मैंने ये बहुत time पहले मंगाया था, March 2021 का packing है. At times just look at you know the packing date as well. कभी कभी दो दो साल पुराने भी आ जाते हैं. So that's about the oil. My bike has completed 5000 kilometers now. Okay, so I'm going to replace the filter. अभी होंडा के मैनुअल के हिसाब से फिल्टर रिप्लेसमेंट उन्होंने 18,000 किलोमीटर पे बोला है, 18,000 किलोमीटर्स. बट आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट एट 5,000 किलोमीटर्स एंड दैट्स द शेड्यूल आई एम गोइंग टू कीप फॉर एवरी सर्विसिंग. एवरी सर्विसिंग आई एम गोइंग टू रिप्लेस द एयर फिल्टर, द ऑयल फिल्टर एंड द ऑयल टू अ फुली सिंथेटिक ऑयल. ये एयर फिल्टर सिर्फ 158 रुपीज़ का है. I don't think it's a you know big cost after riding the bike for 5000 kilometers. Look at this particular filter. It's almost like you know it will go definitely for you know like Honda claims for 18000 kilometers, but I'm going to replace it every time, and that's what I do with all my bikes. You know I don't you know keep it for longer periods. Choti si sasti si cheeze hoti hai, it does not take a lot of money from or does not bigger you know dig a big hole in your pocket. So replace it. Again I'm going to replace the oil filter. Ye bhi aapko 83 rupees ka milta hai. It is the same SP Shine filter as I mean it's the same one that's used in the CB. Aur uske sath ye if you look at this the drain washer jo hamesha aapko change karna hai. In case aapka ye jo oil filter ka cap hai yahan se agar aapko if you are getting gas fumes ya yahan pe bahut zyada leakage hai तो यू कैन रिप्लेस दिस ओरिंग. मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आई हैव जस्ट केप्ट इट विथ मी. दिस कॉस्ट 134 रुपीज. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड एंड आई एम गोइंग टू ओपन द स्पार्क प्लग एंड क्लीन द स्पार्क प्लग. सो माय यू नो आई विल से मेंटेनेंस शेड्यूल इज गोइंग टू बी 5000 किलोमीटर्स विद दीज थिंग्स एंड आई एम गोइंग टू रिप्लेस एवरीथिंग. द स्पार्क प्लग विल गेट रिप्लेस्ड एवरी 10,000 किलोमीटर्स. सो these parts will get replaced every 5000 kilometers. O-ring as needed. Okay, this oil filter cap O-ring will be replaced as required on you know kind of SOS basis, but not regularly. All other things will be replaced every 5000 kilometers. I don't think it's going to be a big cost as such. Or main Q40 pe ja raha hu, you know why I'm going to 10W40. Ye main ek aur video mein cover karunga. So let's start with the process. मैं जैसे मैंने बोला कि गाड़ी को 10 मिनट शुरू रख के उसको मैं पहले यू नो वार्म अप करूँगा, देन आई लेट द ऑयल ड्रेन एंड देन यू नो आई स्टार्ट द अदर प्रोसेसेस. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू इज ड्रेन द ऑयल. आई हैव ऑलरेडी यू नो वार्म्ड अप द इंजन. एक 7-10 मिनट तक मैंने शुरू रखा था. अब मैं ऑयल ड्रेन करूँगा. आई नीड अ 12mm सॉकेट रेंच एंड दिस इज अ यू नो स्पीड रैचेट. सो मैं पहले अभी ऑयल ड्रेन करूँगा. ऑयल क्लीन ही निकलने वाला बिकॉज आई जस्ट चेंज्ड इट एट अराउंड 2000 किलोमीटर्स. उसके बाद हार्डली 3000 किलोमीटर्स चला है वो एंड इवन दैट वाज फुली सिंथेटिक थ्रॉटल इंजन ऑयल जो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो उसका लिंक जब मैंने थ्रॉटल इंजन ऑयल डाला था. और मैं जब ये ड्रेन करता हूँ आई एम गोइंग टू ओपन दी फिलर कैप ऑन द अदर साइड. तो हवा के इसमें मतलब यू नो विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट कम्स डाउन. तो मैं उस साइड पे जाके वो ओपन कर रहा हूँ.
कि जब तक ये ऑयल ड्रेन होता रहेगा आई विल यू नो रिप्लेस दी फिल्टर। वहाँ पे मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। सो जैसे मैंने बताया था ये ऑयल एयर फिल्टर है और इसके ऊपर जो बॉक्स आता है, सबसे पहले तो ये पैनल का जो ये है पैनल और जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का ये दिया उन लोगों ने जो हुक दिया है इसका, ये दो स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे दीज आर द टू स्क्रूज। ये निकाल के आप इसको निकाल के उसका जो ऊपर जो बॉक्स होता है फिल्टर का वो निकालना है। देर आर यू नो ऑलमोस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्क्रूज, ये 6 स्क्रू निकाल के बॉक्स बाहर आएगा। एंड देन यू हैव टू यू नो जस्ट लिफ्ट द फिल्टर, यहाँ पे उसका एक जो लॉक है उठा के साइड में लेना है और मैं अभी रिप्लेस करूँगा इट विद अ न्यू वन। सो यू कैन सी दिस डिफरेंस, दिस इज द ओल्ड फिल्टर एंड दिस द न्यू वन और फर्क डायरेक्टली दिखता है। सो दो द मैन्युफैक्चरर होंडा सेज दैट रिप्लेस इट आफ्टर 18,000 किलोमीटर्स इन आर काइंड ऑफ कंडीशंस, यू नो द काइंड ऑफ रोड्स, द डस्टी रोड्स दैट वी हैव, इट्स बेटर यू रिप्लेस इट एवरी 5,000 किलोमीटर्स। जैसे मैंने बोला इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट, आई कीप दिस फिल्टर यू नो वॉश इट एंड हैव इट एज अ फ्री फ्लो फिल्टर फॉर माई इफ एवर आई गो टू। जैसे मुझे मेरे आई एम नॉट अ यू नो ट्रैवल व्लॉगर एज सच, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर माई cloth, one second. So the filter has been, you know, it's gone inside. Make sure that you are cleaning the hoses if there is any dust inside. It's always good to clean the boxes as well. इलेक्ट्रिक रेंच इज डाउन, इट्स नॉट चार्ज, अदरवाइज ये फटाफट हो सकता है काम। टू सेव सम यू नो वीडियो टाइम आई कैन डू दैट, इट्स नॉट चार्ज्ड।